किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि जिंदगी में हम उसी दिन बड़े हो जाते हैं जिस दिन अपने आंसू पोंछकर स्वयं खड़े हो जाते हैं। और ऐसी वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें MyFM का YouTube चैनल और दबाएं बेल आइकॉन। नमस्ते दोस्तों, MyFM से मैं हूं RJ कार्तिक। एक बड़ी छोटी सी कहानी है गांव के किसानों की, जिनकी किसी बात से नाराज होकर के, क्रोधित होकर के इंद्रदेव ने कह दिया कि आपके यहां गांव में 12 वर्षों तक फसल नहीं होगी, क्योंकि 12 वर्षों तक यहां वर्षा होगी ही नहीं, बारिश होगी नहीं। गांव के किसान बड़े परेशान हुए। उन्होंने दोबारा से प्रार्थना की कि एक बार इंद्रदेव प्रकट हो जाएं तो उन्हें मना लें। इंद्रदेव प्रकट हुए, लेकिन उन्होंने गांव के किसानों से कहा कि देखो, मैं कुछ नहीं कर सकता। अब इसका एक ही उपाय है कि अगर भगवान शिव जी अपना डमरू बजा दें तो आपके यहां भी वर्षा हो जाएगी, बरसात हो जाएगी। जो उस गांव के किसान थे, उन्होंने फिर से डिसाइड किया कि हम भगवान शिव को प्रसन्न करते हैं, तो प्रभु की प्रार्थना करने लगे। उधर इंद्रदेव ने जाकर के भगवान शिव को मना लिया, उनको आग्रह कर दिया कि कुछ भी हो जाए आप मानना मत, आप डमरू मत बजाना। भगवान शिव प्रकट हुए गांव के किसानों के सामने, तो गांव के किसानों ने कहा कि प्रभु बस आप डमरू बजा दीजिए। भगवान शिव जी ने कहा कि नहीं बज सकता है, इंद्रदेव ने कहा तो है, 12 वर्षों के बाद ही अब डमरू बजेगा। गांव के किसान थे आखिरकार निराश हो गए, उन्होंने सोचा कि अब तो कुछ हो ही नहीं सकता है, हमने सारे प्रयास कर लिए, सारी प्रार्थनाएं कर ली। जो किसान थे वो गांव में अपने घरों में रहने लगे, उन्होंने कहा अब खेत में जाने का कोई मतलब नहीं है, वर्षा तो होगी नहीं, बारिश होगी नहीं तो फसल होगी नहीं। लेकिन एक किसान था जो हल लेकर के रवाना हो जाता था हर सुबह, वो जो है अपने खेत को जोतता भी था, निंदाई भी करता था, गुड़ाई भी करता था, जितने फार्मिंग के प्रोसेस है सारे करता था। आसपास के जो किसान थे जो गांव में रहते थे, वो सब मजाक उड़ाते थे, पागल हो गए, जब तुम्हें पता है कि 12 वर्षों तक बारिश नहीं होगी, फसल नहीं होगी, तो किस बात के लिए तुम रोजाना हल लेके चल देते हो। उस किसान ने कहा कि मैं सिर्फ इसलिए रोज जाता हूं अपने खेत में ताकि मैं कहीं किसानी करना ना भूल जाऊं, खेती करना ना भूल जाऊं, वर्षा जब होनी होगी तब होगी, मैं अपना काम करता रहता हूं। सारे लोग वहां बैठ करके मजाक उड़ाया करते थे और वो हर दिन यही बात कहता था कि कहीं मैं भूल ना जाऊं, इसीलिए मैं लगातार प्रयास करता रहता हूं कि मुझे इस चीज की प्रैक्टिस रहे। ये जो तार्किक चर्चा होती थी, ये जो वाद विवाद होता था, इसको माता पार्वती ने सुन लिया और माँ पार्वती जी ने भगवान शिव जी से कहा कि प्रभु आप बस ये सोचिए कि आप कह रहे हैं 12 वर्षों तक डमरू नहीं बजाएंगे, वो जो किसान कह रहा ना कि वो रोज इसलिए जाता है ताकि वो खेती करना ना भूल जाए, कहीं ऐसा ना हो कि 12 वर्षों के बाद आप डमरू बजाना भूल जाए। इस बात को सुनकर के तुरंत भगवान शिव जी ने अपना डमरू उठाया और ये जांचने के लिए कि बज रहा है कि नहीं, जैसे उसे बजाया वैसे ही उस गांव में बरसात हो गई और एकमात्र वो किसान जो कि निरंतर प्रयास कर रहा था उसी के खेत में फसल हुई, क्योंकि बाकियों ने तो खेत में जाने का सोचा भी नहीं था। छोटी सी कहानी जिसका सार ये कहता है कि पता नहीं कब वो डमरू बज जाएगा, इसलिए अपने प्रयासों में कमी मत रखिए, निरंतर प्रयास करते रहिए, सक्सेस कभी भी आपके दरवाजे पर आकर खड़ी हो सकती है। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें MyFM का ऑफिशियल YouTube चैनल। याद रखिए, अगर आप कुछ अच्छा सुन रहे हैं तो MyFM सुन रहे हैं। चलो आज कुछ अच्छा सुनते हैं।